बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ का निधन हो गया है। 62 साल की उम्र में मुंबई स्थित कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस खबर के सामने आते ही बॉलीवुड की गलियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम फिल्मी सितारे और फैंस फिल्म मेकर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनकी मौत हुई है। वहीं इस्माइल को शुरू से ही फिल्मों का शौक रहा था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत उन्हें 80 के दशक में बनाई गई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से मिली। इस फिल्म को उनके भाई मोइनुद्दीन ने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, अगर बुलंदी, सूर्या, गॉड एंड गन, पुलिस पब्लिक, निश्चय, दिल आखिर दिल है, झूठा सच, लव 86, जिद, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम जैसी तमाम हिट और चर्चित फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस्माइल श्रॉफ को बीते 29 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके चलते उनके शरीर का दायां हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। वो चलने फिरने में असमर्थ थे। पिछले कई दिनों तक मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अभी कुछ ही दिन पहले डायरेक्टर अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। हालांकि यहां बुधवार सुबह करीब 6:40 पे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया और आखिरकार मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हो गया।